नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो जो होने वाला है वो पीसी वीडियो पैनल के ऊपर होने वाला है। बहुत लोगों का बहुत दिनों से था कि सर आप वीडियो पैनल कैसे बनाते हैं, वीडियो के लिए डिस्प्ले कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ इसी पे लेके आया हूँ। तो आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में ये जो टाइल है इसको बोलते हैं P6, और भी इसमें बहुत सारे वेराइटीज आते हैं P4, P8, P10। तो आज जो मैं बताने वाला हूँ वो P6 के बारे में बताने वाला हूँ। जो इस चैनल पे न्यू है वो P6 या P10 का पहली बार नाम सुन रहे हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब कर देता हूँ। यहाँ हमारे हाथ में आप देख पा रहे हैं कि दो टाइल्स हैं, एक में जो है LED कुछ इस टाइप से लगा हुआ है और एक में जो है स्क्वायर के शेप में LED लगा हुआ है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं इस वाले टाइल में दो LED के बीच का गैप जो है 10 mm है, इसको बोलते हैं P10। और यहाँ से यहाँ जो है ये लंबाई में कितने LED हैं, चौड़ाई में कितने, तो हो गया आपका LED मैट्रिक्स। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको मार्केट में टाइल मिलता है। तो ये P10 टाइल है RGB का, जो कि 16x32 मैट्रिक्स में है। इससे भी डिस्प्ले बना सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होगा, इससे जो डिस्प्ले बनेगा इसका क्लैरिटी थोड़ा कम होगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें LED नज़दीक लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ इसी में जो है इसका नाम P6 इसलिए है क्योंकि इसमें दो LED के बीच का गैप 6 mm है, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम P6 पड़ा है। बाकी इसमें और भी आते हैं P3, P4, अलग अलग लेवल आता है। जितना आपको डिटेल वीडियो चाहिए उसके लिए अलग अलग जो है आपको ये यूज करना होता है। तो आज जो इसको बनाने के लिए हम लोग जो है एक तो P6 पैनल का यूज किया है, टोटल 16 mm P6 पैनल का यूज किया है। उसके बाद जो है हमने 4 पावर सप्लाई यूज किया है 20 एम्पीयर का, जो कि एनफ नहीं है, क्योंकि मैं टेस्टिंग कर रहा था तो मेरे पास जो है अभी ये 4 पावर सप्लाई थे इसलिए मैंने इसे कनेक्ट कर दिया हूँ, ठीक है। आगे हम देखेंगे इस वीडियो में कि मैंने कैसे इसको इंस्टॉल किया है, कैसे वायरिंग किया है, और फिर जो मैंने कार्ड यूज किया है वो D15 यूज किया है, जो कि वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होता है। D15 कार्ड के बारे में भी हम लोग जानेंगे, और इसको जो है मोबाइल ऐप से, कंप्यूटर से, और आप जो है USB के थ्रू इसमें प्रोग्राम अपलोड कर सकते हैं। इसमें GIF, टेक्स्ट, उसके बाद क्लॉक, और उसके बाद डिफरेंट टाइप के अलग से आप सेंसर भी यूज कर सकते हैं। सेंसर इसके बोर्ड में नहीं होगा, वो आपको अलग से यूज करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसके वायरिंग सेक्शन पे जाते हैं। और दोस्तों जो भी हमारे चैनल पे न्यू है, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे और आप न्यू न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों अब आ गए हम लोग वायरिंग पार्ट पे।
तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, मैंने एक सिस्टमेटिक वे में इंस्टॉल करने का प्रोसेस तो दिखाई कि मैंने कैसे कैसे वायरिंग किया, तो फिर से एक बार डिटेल में हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, हमारा ये चार टाइल जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, फिर ये चार टाइल एक दूसरे से कनेक्टेड है, फिर ये। ठीक है, इन चारों का जो आपका रिबन केबल जो आया है वो पोर्ट वन में चला गया, यहाँ पे मेरा कार्ड का, फिर वो दूसरे का 2 नंबर में, फिर तीसरे का 3 नंबर में, और फिर चौथे का 4 नंबर में। मेरे पास जो है ये केबल जो है छोटा वाला था, बड़ा था नहीं, क्योंकि चार टाइल कनेक्ट करने के लिए आपको जो है केबल थोड़ा बड़ा चाहिए होता, तो इसलिए मैंने जो है ये जम्पर वायर आता है तो मैंने उसको ऐड करके अपना केबल बना लिया है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक बार कंट्रोलर पे नज़र डालेंगे, फिर देखेंगे। तो ये जो है आपका D15 कंट्रोलर है, जो कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे आपको चार पोर्ट मिल जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने चारों पोर्ट से कनेक्शन लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको एक एंटीना मिलता है, क्योंकि हम इसमें जो है मोबाइल फ़ोन के ऐप के हेल्प से हम वीडियो, GIF फाइल, ये से हैवी फाइल अपलोड करते हैं, इसलिए जो इसमें वाईफाई जो चिप लगे होते हैं वो भी हैवी वाले लगे होते हैं। और मैं बता रहा था कि सेंसर इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, तो एडिशनल सेंसर मार्केट में मिलता है। तो यहाँ पे देखिए पोर्ट दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पे टेम्परेचर टेम्परेचर के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं TEMP लिखा हुआ है, यहाँ टेम्परेचर सेंसर कनेक्ट कर सकते हैं, GPS और भी सेंसर, जिसमें विंड सेंसर और भी डिफरेंट टाइप के सेंसर जो आते हैं आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया है इसको पावर देने के लिए, और यहाँ पे आपको दिखा दूँ, पावर देने के लिए इसमें जो है 5 वोल्ट और ग्राउंड कनेक्ट करना होता है, तो मैंने 5 वोल्ट लेकर के SMPS के 5 वोल्ट से दे दिया है। ठीक है, और ग्राउंड जो है ये जो है टाइल से इस रिबन केबल के हेल्प से इसको मिल जाता है, अगर GND नहीं भी जोड़ेंगे तो भी हमारा काम हो जाता है। ठीक है, और मैंने जो बता रहा था कि मेरे पास वायर के कमी हो गए थे, तो मैंने क्या किया इसमें जो है ये जम्पर वायर जोड़ करके और इसको कनेक्ट किया हूँ। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे इसके मोबाइल ऐप को कैसे यूज करेंगे और कैसे इसमें हम लोग प्रोग्राम डालेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा GIF फाइल चल रहा है। ठीक है, तो अब चलेंगे हम लोग मोबाइल के ऐप के सेटिंग को देखेंगे। इस कंट्रोलर को ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले आपके पास जो है ऐप होना चाहिए, तो ऐप आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जा करके आपको सर्च करना है LED आर्ट, ठीक है, ये वाला ऐप आपको इंस्टॉल करना है। ये ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल्ड है पहले से, तो मैं जो हूँ आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये ओपन करने से पहले जो है आपको अपना वाईफाई ऑन करके पहले वाईफाई से इसको कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये D15 है कंट्रोलर हमारा, तो यहाँ पे D15 नाम का कोई वाईफाई आने वाला है। अगर नहीं मिल रहा तो आप रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे देखिए D15 नाम का मुझे वाईफाई मिल गया है। इसमें 8 टाइम 8 बार 8 प्रेस करना है पासवर्ड में। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। ऑब्टेनिंग IP एड्रेस, नो इंटरनेट, कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है ऐप पे, और ऐप पे जाने के बाद मैं पुराना वाला फाइल
एक न्यू प्रोग्राम सेलेक्ट करके बनाता हूँ। जैसे यहाँ प्लस पे आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए ये बॉक्स प्लेयर नाम शो हो रहा है, आप इसका चाहे तो नाम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाना है, स्क्रीन का नाम क्या रखना है कुछ भी रख सकते हैं। तो मेरा 16 टाइल है तो मैं 16x16 नाम रख देता हूँ। ठीक है, और विड्थ में कितने एलईडी हैं, तो मेरे एक टाइल में जो है 32 मैट्रिक्स हैं, 32x30 का है टोटल। लंबाई में 4 टाइल है और चौड़ाई में तो 32x4 128, और हाइट में भी इतना ही। कंट्रोलर D15 ओके करना है। ठीक है, ये आपका डिस्प्ले आ गया। डिस्प्ले आने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे प्लस का सिंबल है, अगर आप टेक्स्ट चलाना चाहते हैं, इमेज चलाना चाहते हैं, वीडियो चलाना चाहते हैं, सेंसर चलाना चाहते हैं, इसमें बहुत सारा वेराइटीज है, तो अभी हम नॉर्मली टेक्स्ट चला करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको टेक्स्ट एंटर करना है, वेलकम। अब दूसरा जो लेटर है मुझे दूसरे कलर में, तो यहाँ पे जाके कलर चेंज कर लेंगे, तो वेलकम टू। ठीक है, कोशी, और यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो यहाँ से कोई भी कलर सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं रखना है, और यहाँ पे जा करके आपको जो है फॉन्ट और ये टेक्स्ट कैसा दिखेगा, ये 10 फॉन्ट है ऑटो करके, ये ऑटोमेटिकली और स्क्रीन को फुल कर देता है, और ये बोल्ड चाहिए। ठीक है, और ये फॉन्ट जो है किस टाइप का है, एरियल है, और भी फॉन्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इफ़ेक्ट्स में जाके आपको इफ़ेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये कंटिन्यूस मूव लेफ्ट सेलेक्टेड है, और बॉर्डर आपको चलाना है तो बॉर्डर में जाके यहाँ से दो कलर का बॉर्डर चलाना है तो ये सेलेक्ट करना है, 3 कलर के लिए ये सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ से जो भी आपको डिज़ाइन अच्छा लगे वो आप चूज करके चला सकते हैं। ठीक है, और इसका भी स्पीड आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया। अब मैं जाता हूँ बैक, और यहाँ पे इससे कर लेते हैं बैक, और यहाँ से जाके आपको सेंड कर देना है। ठीक है, अगर आपका स्क्रीन सही से नहीं चले तो चलिए देख लेते हैं हमारा जो टेक्स्ट है वो कैसा चल रहा है। तो आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी प्यारा ये चल रहा है। ठीक है, अब जो है हम इसमें जो है बैक हो करके कुछ बैकग्राउंड चला लेते हैं। ठीक है, इसी पे जाना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है, इफ़ेक्ट्स में जाना है, यहाँ पे ये तो इफ़ेक्ट्स हो गए। बैकग्राउंड में जाने के लिए आपको अगर बैकग्राउंड में कुछ चलाना है तो उसके लिए फिर से प्लस पे जाएं और एनिमेटेड वर्ड्स पे जाएं, और यहाँ पे देखिए आपको इफ़ेक्ट मिल रहा है, बैकग्राउंड इफ़ेक्ट, तो आप ये सेलेक्ट करके और ये सेंड कर सकते हैं। तो मैं इसको सेंड करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं ये आपका कुछ इस टाइप से है, और इसमें जो है इफ़ेक्ट और भी अच्छे क्वालिटी का इफ़ेक्ट चाहिए और भी बहुत सारे डिज़ाइन के लिए, तो फिर आपको ये प्रोग्राम कंप्यूटर से बनाना होगा। कंप्यूटर से बना के या तो लैन पोर्ट के हेल्प से या यूएसबी के हेल्प से इस पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, इमेज चलाएंगे, और जैसे मेरा ये एक बार में चल गया तो ज़रूरी नहीं है सबका वन टाइम में ये सब कुछ साफ सुथरा चले, उसके लिए हम लोगों को पैच मतलब इसका जो है आईसी सिलेक्शन करना होता है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, सॉरी डिवाइस में जाना है, हार्डवेयर में जाना है, और यहाँ पे जा करके आपको अपना परफेक्ट आईसी सिलेक्ट करना है, यूनिवर्सल मॉड्यूल। ठीक है,
आपको पता होना चाहिए कि आपका मॉड्यूल किस टाइप का है। तो इसमें से आपका P6 है या P4 है, जो भी है उस पर क्लिक करके जो भी मॉड्यूल है वो सेलेक्ट करके ओके करना है। तो ये आपका जो है ऐसे करके आपको चेक करना होगा, तो ये जो है आपका सही चलना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग बैक में, और हम लोग जो कुछ इसमें अब इमेज चला करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं न्यू प्रोग्राम में था और मैं यहाँ पे जो है टेक्स्ट को अभी हटा देता हूँ। ठीक है, अब चले जाते हैं इमेज में। इमेज में जा करके हम इमेज चला करके देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है, जब तक आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये आपका अपलोड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे अब आ गया है। अब हम इसको जो है यहाँ से सेंड कर देंगे, तो अब देखते हैं आता है या नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो है इमेज अपलोड हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग जा कर के अब देखेंगे कोई GIF या वीडियो फाइल डाल करके। ठीक है, अब आए। ठीक है, अब प्लस पे जाना है और यहाँ पे वीडियो फाइल पे जाना है, और यहाँ से कोई भी वीडियो आपको चूज कर लेना है। तो मैं फ़िलहाल ये वीडियो चूज करता हूँ। देखिए फिर टिक आउट हो गया, आप 2-3 वीडियो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप इसको जो है, अब मैंने यहाँ जो इफ़ेक्ट फाइल ले लिया है वीडियो फाइल, और इसको जा करके सेंड कर दे रहा हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं। तो मैंने 2 फाइल सेलेक्ट करके डाला था, तो ये दोनों आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप वीडियो फाइल GIF फाइल भी चला सकते हैं। अब मैं और एक आपको दिखा दूँ, क्लॉक क्लॉक चलाकर, तो यहाँ पे भी क्लॉक का 2 सिस्टम है, आप किस टाइप का क्लॉक चलाना चाहते हैं। क्लॉक में क्या क्या डिस्प्ले कराना चाहते हैं, डेट में भी अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको डेट का फॉर्मेट आएगा कि डेट मंथ ईयर डिस्प्ले कराना है या क्या करना है। डेट किस कलर से शो होगा तो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, इंटरवल जो है ये गैप है, डेट और इसके नीचे जो आएगा उसके बीच का गैप है वीक। जैसे अभी मैं इंटरवल 1 कर देता हूँ, तो आप देख रहे हैं संडे थोड़ा नीचे स्लाइड हो गया, और आप संडे का भी कलर चेंज कर सकते हैं। वीक पे क्लिक करना है और यहाँ पे आ गया कलर, और इसको कर देते हैं ब्लू। ठीक है, ये सब सेट हो गया है। अब जाना है बैक, यहाँ से मैं वीडियो फाइल हटा देता हूँ और इसको सेंड कर देता हूँ। तो आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो है हमारा क्लॉक अपलोड हो रहा है, और ये जो आपका डिस्प्ले बन गया क्लॉक। तो देखिए यहाँ 24/1/2021 और ये घड़ी, और यहाँ ऊपर जो LED है आप उसमें अपना नाम भी डाल सकते हैं। उस नाम को डालने के लिए आपको क्या करना होगा तो मैं दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको फिर से जाना है इसमें, और पहले जाना है क्लॉक पे क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, और स्टाइल पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे स्टाइल पे AM PM डेट वीक इंटरवल क्लॉक, यहाँ पे देखिए फ़ॉन्ट साइज लिखा हुआ है, फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है,
टाइटल, टाइटल पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, इसे डिलीट कर, कोशी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे ये शो होने वाला कोशी इलेक्ट्रॉनिक्स। कलर कौन सा रखना है तो आप जो भी कलर चूज करेंगे वो कलर आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ जाके बैक होना है, यहाँ से बैक कर लेते हैं और फिर जो है यहाँ से बैक जाते हैं और इसको अपलोड करते हैं, देखते हैं एलईडी की जगह कोशी इलेक्ट्रॉनिक्स शो होता है या नहीं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा वॉच के साथ ये हो गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और कुछ इसके बारे में जानना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।